ये वो चर्च है जिसमें वास्को डी गामा की ग्रेव थी ओरिजिनल, जहाँ पर इनको दफनाया गया था। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। और सुबह का टाइम हो चुका है 6:30, और मैं अराउंड आधे घंटे पहले निकल गया था जहाँ पर मैंने रात को कैंप लगाया था थिरुनावाया से। और अभी मैं जा रहा हूँ पनानी की ओर। तो पनानी समुद्र के किनारे है बिल्कुल, जो कि थिरुनावाया से अराउंड 15 से 20 किलोमीटर होगा। और चलते चलते आधा घंटा हो गया है, अभी थोड़ा दूर है एक ब्रिज क्रॉस करने के बाद लिफ्ट मांगूंगा। तो उससे पहले बहुत ज्यादा सड़कें हैं, एकदम बंटी हुई है कि कोई गांव में इधर उधर जाता है तो लिफ्ट मांगने का कोई मतलब नहीं है। ब्रिज तक तो पहुंचा नहीं हूँ, उससे पहले यार लिफ्ट मांगने का एक बार ट्राई करता हूँ, शायद कोई भाई दे दे यार। बाइक कार वालों से तो नहीं मांगूंगा क्योंकि पता नहीं है, अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा लिफ्ट नहीं मिल पाती ना। अरे बुड्ढे इधर देख ले भाई, इसने तो ना दी यार, ये भाई देगा शायद। ये यहीं से जा रहा है, इसीलिए बोला लिफ्ट नहीं मिलता क्योंकि ये गांव जैसे ही है ना, पता नहीं सुबह सुबह लोग कहाँ गांव में इधर उधर होते रहते हैं। इस बुलेट वाले से मांगोगे ब्रिज तक छोड़ दोगे? ब्रिज ओके, थैंक यू सर। बुलेट वाले भाई ने ब्रिज पे छोड़ दिया है। इस ब्रिज का नाम है चमरोटम ब्रिज, ये ब्रिज है और इसके साथ ही डैम बना हुआ है। इधर की तरफ तमिलनाडु एंड इधर की तरफ सी, और इधर हो रहा अपना प्यारा सनराइज। आज मैं ज़्यादा चलूँगा नहीं यार, कल मुझे लगा कि मैं 20 किलोमीटर के अराउंड चला था, लेकिन जैसे ही मैंने गूगल पे टाइमलाइन चेक किया मैं चल चुका था 39 किलोमीटर, और मेरे पाँव में छाले पड़ गए थे यार। सच बताऊँ आज बिल्कुल भी चलने का मन नहीं है, ज़्यादा चलूँगा तो फिर यार बीमार पड़ जाऊँगा, मतलब नहीं है ज़्यादा चलने का। लेकिन सुबह सुबह एनर्जी तो अच्छा होता है कि अभी मैं अराउंड 1.5 किलोमीटर पैदल चल लिया था, उसके बाद में मैंने लिफ्ट मांगा। तो सुबह का टाइम ही ऐसा होता है ना कि यार जैसे उठे बैग पैक किया और चल लो, किसी का वेट ही ना करो। अभी यहाँ पर मैं ब्रिज पे ही वेट करूँगा, शायद ब्रिज पे कोई नहीं रोकेगा क्योंकि यहाँ पर सड़क के किनारे कोई जगह नहीं है, ओनली टू वे है। तो जैसे ही ब्रिज क्रॉस करूँगा वहाँ पर जाके लिफ्ट मांगूँगा। वही पीछे ब्रिज क्रॉस करके यहाँ तक आ गया हूँ, अभी यहाँ से लिफ्ट मांगूँगा आगे बनाने जाने के लिए। कोई ट्रक वाले से मांग के देखता हूँ यार, ज़्यादा दूर है नहीं, वैसे बाइक वाले से भी मांग लोगे। ये जो पीछे दिख रहा है आपको ये बीच, इधर से मैं आया था, इधर से थोड़ा चलते हुए अंदर से ऑलमोस्ट यहाँ से ये 1 किलोमीटर है, इतना मैं चल के आ गया हूँ। और इधर से इस एंड पे ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर आगे है पनानी बीच, तो देखता हूँ लिफ्ट मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो पैदल चल लूँगा वहाँ तक भी, इतना कोई दिक्कत नहीं है 2 किलोमीटर। बीच मेरे हिसाब से उस तरफ होगा, देखता हूँ वहाँ जाके। फाइनली पनामी बीच पे पहुँच गया हूँ।
तो भाई अभी थोड़ी देर मैं पहले वहाँ था थोड़ा दूर, फिर उधर से चलते हुए इधर आ गया। ये यहाँ का व्यू पॉइंट है, यहाँ से अच्छे नज़ारे हैं। यह लहरें भी ऊपर हाइट में आ रही है, वहाँ बिल्कुल छोटी छोटी आ रही थी। ये भाई इधर मछली पकड़ रहे हैं, उधर चल के पत्थरों पे बैठता हूँ थोड़ी देर एंड देन निकल जाऊँगा आगे की तरफ। तो भाई ये था पुनामी बीच, अभी इसको छोड़ के चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ से 2 किलोमीटर के बाद हाईवे है, वहाँ से लिफ्ट मिलेगा। तो 2 किलोमीटर तक आज फिर से और पैदल चलना पड़ेगा। सो फाइनली गाइज, बनानी बीच से आने के बाद जैसे ही हाईवे पे टच हुआ तो मेरे को भी एक भैया ने लिफ्ट दे दी है सीधा ऑलमोस्ट कोची के लिए। वो कैमरे में नहीं आना चाहते इसलिए उनकी तरफ कैमरा नहीं करूँगा। आज भैया मतलब केरला में फर्स्ट टाइम ट्रक में लिफ्ट मिला है मेरे को। ट्रक वाले भाई ने तो भाई 10 किलोमीटर पहले छोड़ा है कोची से, यहाँ से कोची 10 किलोमीटर का अराउंड है। लगभग मेरे को 100 किलोमीटर का लिफ्ट दिया था पनाना बीच से यहाँ कोची के बाहर की तरफ का, यहाँ से 10 किलोमीटर है सिटी। यहाँ पर भाई ने छोड़ा था, अभी वहाँ से 13 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ सिटी के। दूसरा ये कि सिटी में हो तो फिर हिचहाइकिंग करने का कोई मतलब नहीं है और लिफ्ट कोई देगा भी नहीं, इसलिए सिटी में हमेशा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लेते हैं और सस्ता भी पड़ता है, महंगा नहीं है बिल्कुल, 15 से 20 रुपये में हो जाता है। फोर्ट कोची की तरफ अभी जा रहा हूँ, अभी मैं इधर आया था फोर्ट कोची की तरफ जाने के लिए। यहाँ पर काफ़ी फेमस है और वहाँ पर बीच भी है, जाके देखते हैं। एक तो अभी दोपहर का टाइम हो गया है, अराउंड 3 बजे हैं, और कहीं होटल में बैठ के वेट करेंगे। और मेरे पावर बैंक भी डिस्चार्ज हो गया, वो चार्ज करूँगा और शाम को बीच की तरफ जाएंगे। और शाम को देखता हूँ होटल ले लेता हूँ यार, सही रहेगा क्योंकि अभी काफ़ी दिन हो गया कैंपिंग, काफ़ी क्या मतलब 2 दिन हो गया कैंपिंग किया है लेकिन अभी नहाया नहीं हूँ, कपड़े भी धोने हैं, तो इसलिए आज कहीं पे होटल या फिर हॉस्टल ले लूँगा तो सही रहेगा और कल निकल जाऊँगा मुन्नार की तरफ। तो अगर आप नॉर्थ साइड से आ रहे हो तो फोर्ट कोची जाने के लिए आपको फेरी लेना पड़ेगा जिसका टिकट सिर्फ 3 रुपये है, मात्र 3 रुपये में आपको अराउंड 1.5 किलोमीटर की सवारी फेरी में हो जाएगी। भाई 3 रुपये का बहुत बड़ा टिकट और ये पहला कदम फेरी पे। ट्रैवलिंग में ऐसा होता नहीं कि बहुत सारी चीज़ें पहली बार ही करते हो तो। भाई सीट तो मिली नहीं, खड़े खड़े जाएंगे। वेलकम टू फोर्ट कोची, द फर्स्ट यूरोपियन टाउनशिप इन इंडिया। पर वास्को डी गामा की इसलिए कब्र है, वो भी है कब्र बोले या फिर ग्रेव, वो है यहाँ पर फ्रांसिस चर्च में है जो कि यहाँ से थोड़ा 1-2 किलोमीटर दूर है, अभी उसको भी देखेंगे। अभी आया हूँ मैं फोर्ट कोची के बीच पे आया हूँ, अभी जस्ट पीछे ये बीच, और ये है सनसेट व्यू पॉइंट। अभी तो सन बहुत ऊपर है, ये कचरा है ना ये अपने लहर को ऊपर ही नहीं आने देता है ना। सही है, जो जो इंसान कचरा फेंकता है उसका आधा कचरा यहाँ पर समुद्र वापस फेंक के चला जाता है। ये है यहाँ का बीच, कचरे से भर चुका है पूरा, मुझे लग रहा है एकदम मुझे साफ साफ सैंड होगी, लोगों को बैठेंगे, इधर तो कचरा पड़ा पूरा।
चलो भाई फोर्ट कोची के बीच में तो कुछ नहीं निकला और कुछ देखने के लिए फोर्ट कोची में, तो वो देखते हैं जाकर। तो गाइस ये था फोर्ट कोची बीच, और अभी फोर्ट कोची बीच तो घूम लिया है पूरा, कुछ है नहीं खास क्योंकि पूरा कचरा कचरा पड़ा है। और अभी यहाँ के बाद में सीधा मैं जाऊँगा कोई हॉस्टल ढूँढूँगा और उसमें जाके कपड़े धोऊँगा। यहाँ कुछ घूमने लायक मुझे लगा बहुत कुछ होगा यार। एक तो है वो चर्च जहाँ पर उसका वास्को डी गामा का जो ग्रेव है वो देखने का है, वो कल सुबह देखूँगा या फिर निकल जाऊँगा सीधा मुन्नार की तरफ, क्योंकि बिल्कुल सिटी में घूमने का मज़ा ही नहीं है बिल्कुल। अगर तुम हिचहाइकर हो और एक फुल टाइम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो फिर कोई सिटी में घूमने का तो कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ सिटी से पहले ही बार बार ही कट लो, कोई गाँव की तरफ ही निकल जाओ, कम से कम वहाँ लोग अच्छे मिलेंगे यार। यहाँ तो कुछ नहीं, सबको एक ही टूरिस्ट की तरह ही सबके साथ बिहेव करते हैं, तो फिर कोई मज़ा नहीं आता। इसलिए मैं कल से सिटी की तरफ जाना बंद कर दूंगा, सिर्फ गांव गांव की तरफ मैं घूमूंगा। और जो तिरुवनंतपुरम जाने का जो प्लान था वो भी कैंसिल है, क्योंकि तिरुवनंतपुरम तो एक तरह से पूरा सिटी है, तो उससे मैं ईस्ट होते हुए सीधा तमिलनाडु की तरफ चले जाऊँगा। तो अभी मेरे को अराउंड 7-8 दिन लगेंगे तमिलनाडु पहुँचने के लिए। ये वो चर्च है जिसमें वास्को डी गामा की ग्रेव थी ओरिजिनल, जहाँ पर इनको दफनाया गया था। नाम है सेंट फ्रांसिस सीएसआई चर्च। चलो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं, बाय बाय।